दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। चौपाल शिमला मार्ग पर रेउणी के समीप गलू में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ठियोग के सैन से चौपाल की तरफ आ रही मारुति कार सड़क से करीब 30 फीट नीचे जा गिरी। गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिनमें से एक व्यक्ति मोहन सिंह की चौपाल अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को IGMC शिमला रेफर कर दिया गया है। मामूली रूप से घायल एक व्यक्ति को चौपाल अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गई है। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, देरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।